रूही लो भी बच्ची को मुझे दे दो, रो रो के हलकान होगी, मैं इसे घर ले जाऊं बच्ची को। मैं बहला लूंगी अम्मी से, अभी मैं इसे मैं देख रही हूँ, आप फिक्र नहीं करें। भूखी हो रही है बेटा, तुम लाख बहलाओ लेकिन वो नहीं बहलेगी, लो मुझे दो मैं इसे घर ले जाऊं। तो इसका फीडर कहाँ है अम्मी, आप कहाँ है फीडर इसका? मैं तो थोड़ी देर के लिए लेकर आई थी तुमसे मिलवाने के लिए, मुझे थोड़ी पता था कि इतनी देर लग जाएगी, इसीलिए फीडर नहीं लेकर आई थी। तुमने तो मेरी बच्ची को रुला रुला के बेहाल करके रख दिया। लो अम्मी मुझे दो भी मैम, चलो बेटा, ओ मेरी जानी। अम्मी एक सेकंड रुक जाए, अभी अभी वलीद आएंगे तो वो ले जाएंगे, अब इसको एक सेकंड मेरे पास रहने दे प्लीज। जिद मत करो रूही, मैं तुम्हारी खातिर या किसी और की खातिर अपनी बच्ची को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं माँ हूँ इसकी अम्मी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इसे अजियत दो, इसे भूखा रखो, मुझे इसे घर लेके जाना होगा रूही। नहीं अम्मी, अम्मी प्लीज प्लीज मुझे दे दे। मैं तुम्हारे एहसासात को समझ रही हूँ रूही, अल्लाह ने इतने अरसे के बाद तुम्हें औलाद दी है, लेकिन अभी तुम बच्ची को संभालने के काबिल नहीं हो रूही, अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी बेटा, मुझे अभी से घर लेके जाने दो, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, मैं घर चलती हूँ बेटा। अल्लाह ताला ये क्या अज़ियत, ये क्या अज़ाब है, मैं कब अपनी बच्ची को संभाल सकूं, मुझे जल्दी ठीक कर दो, मुझे जल्दी ठीक। शाहाना क्या कर रही हो भाई, हर वक्त काम काम काम, कभी आराम से बैठ भी जाया करो, रंग देखा है अपना कितना पीला पड़ गया है, चलो ये खत्म करो फौरन। अम्मी दो घंटे पहले ही तो नाश्ता किया है। ए, पूरे दो घंटे हो गए इस बात को, बस अब मेरे से बहस नहीं करनी तुमने कोई। अम्मी बहस सुनी करी मैं तो बस। बैठ जाओ मैं कह रही हूँ, फिर खड़ी हो रही है, शाबाश, देखती नहीं और रंग कैसा पीला पड़ गया है, अपना ख्याल रखा करो ना। सुनो शहाना, कभी कभी मैं गुस्से में बहुत उल्टी सीधी बातें बोल देती हूँ, बाद में मुझे एहसास हो जाता है जो मैंने गलत कहा था, मेरी बातों को माइंड ना किया करो। मैं क्यों माइंड करूंगी, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। हाय खुश रहे मेरी बच्ची, और हाँ वो मैंने तुझे तेरी अम्मा के घर जाने से मना किया था ना, अब मैं तुझे इजाजत दे रही हूँ, चली जाया कर अपनी अम्मा के घर, है मिलाया कर उससे। सच अम्मी? हाँ ना, और हाँ बोर्ची खाने में अब ना देखूँ मैं, बस बोर्ची खाने के सारे काम अब मैं खुद करूंगी, खाना भी मैं खुद पकाऊंगी, समझ आइए, इसको खत्म करो मैं अभी आके देखती हूँ। हाँ शाहना कहो, सब खैरियत? सब खैरियत है, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, और खुशखबरी की वजह? आपको पता है आज अम्मी ने अपने हाथ से मुझे फ्रूट खिलाया, मुझे गले लगाया, ढेर सारा प्यार किया। सच? माशाल्लाह, अरे भाई ये तो वाकई खुशखबरी की बात है। और एक और बात भी है, उन्होंने मुझे घर जाने की इजाजत भी दे दी है। ओहो हो भाई मुबारक हो, तो फिर आज शाम इंशाल्लाह तुम्हारी अम्मी के यहाँ चक्कर लगाएंगे, ठीक? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अगर रूही की तरह माजूर होके पड़ गई तो सारा इल्जाम भी मुझ पे आएगा, और इसे और इसके बच्चे को संभालना भी मुझे ही पड़ेगा। अच्छा है जाए जाके अपनी माँ से मिले, कुछ हो हुआ गया तो खुद ही संभालेगी बुशरा इसे भी और इसके बच्चे को, मेरी जान तो छूटेगी ना। सो गई है, फिटर निकाल दें। शुक्र है इसे सब्र आया, मुझे सुकून मिला है।
रूही ने तो इसे तड़पा के रख दिया था। इतनी सी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाना ही नहीं चाहिए था आपको। अरे मैं कब ले जाना चाह रही थी, रूही ने इतनी जिद की इसलिए ले जाना पड़ा। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब तक छुट्टी दे देंगे रूही को? छुट्टी तो उसे मिल ही जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी खड़ी हो सकेगी। तो फिर इस बच्चे का क्या होगा फूफो जान, इसे कौन संभालेगा? देखो इकरा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुमने ही इसे संभालना है, अपने कलेजे से लगा के रखना है। समझ लेना कि ये रूही की नहीं, तुम्हारी औलाद है, और शायद मेरा रब तुम्हें वलीद की जिंदगी में इसीलिए लेकर आया था। बताओ मुझे, संभालोगी ना तुम इसे, अपनी बेटी समझोगी ना? खुपो जान, मैं गैर नहीं हूं, सौतेली सही हूं, लेकिन वो तो मैं भी माँ ही। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिलहाल तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, मगर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे कैसे? दुआ कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। मेडिसिन देते रहिए और जो मैंने आपको एक्सरसाइज चार्ट दिया उसे फॉलो कीजिए, ठीक है? जी। इतने दिन हो गए और हमने अपनी गुड़िया का नाम तक नहीं रखा। इसके बाप को फुर्सत ही कहाँ है, बेचारा अपनी बीवी की परेशानी में लगा हुआ है, कहाँ इसकी कोई खुशी देख सका है वो। वलीद आ गया है। बेटा इसको जरा संभालो, मैं उसकी मदद करवा दूँ आराम से। आ रही हूँ बेटा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो बेटा। अच्छा मेरा बीपी, मेरी जान, मामा के पास आओ, 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 मामा के पास आओ। कितने दिनों बाद आई हो, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को, बहुत याद आ रही थी तुम मुझे। आप भी तो आ सकती थी अम्मी, आंटी को गुस्सा था लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, मुझे बहुत प्यार करती है। खुदा तुम दोनों का प्यार कायम रखे। अरे बेटा बैठो ना, बैठो तुम लोग बैठो। और सुनाओ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ ना चेकअप के लिए? जी अम्मी, शफीक मुझे रेगुलर लेके जाते हैं। तुम्हें अब अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आंटी,
मैं हूं ना, मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। अच्छा, जीते रहो बेटा। अब बताओ क्या खाओगे, मैं फटाफट बना लेती हूँ। आंटी, अगर आप जिद कर ही रही हैं तो आपके हाथों की ना जबरदस्त बिरयानी खाने का मूड हो रहा है। ठीक है, मैं अभी बना लेती हूँ अपने बेटे के लिए। अम्मी, मैं भी आती हूँ, आपकी हेल्प कर दूंगी। नहीं नहीं, तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। बैठो और बातें करो और आराम से बैठो। बल्कि मैं जूस बना के लाती हूँ पहले। बहुत शुक्रिया। जैसे रूही पहुंची, फलीत ने मेरी गोद से बच्ची को लेकर रूही की गोद में डाल दिया। सब्र तो करना, हौसला रख जरा, देख लेना तू। एक दिन वलीद उसी बच्ची को रूही की गोद से उठा के तेरी गोद में डाल देगा। और वैसे भी रूही की हालत नहीं देखती, वो कोई संभाल सकती है बच्ची को? ज्यादा से ज्यादा गोदी में उठा के प्यार कर सकती है उसे, बस। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अम्मी, दिल चाह रहा है कि मैं चीख चीख कर रहूं। ना 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 ना, ऐसा तो बिल्कुल भी ना करना। अपने आप को कमजोर ना करना इकरा। माँ की तरह बहादुर बन, बहादुर। अब तो वो सब कुछ हो रहा है जो तेरे हक में अच्छा है। वैसे भी मैं तुझे एक बात समझाती हूँ, जो मर्द होता है ना, ज्यादा दिन तक बीमार बीवी को बर्दाश्त नहीं करता। ये तो औरत होती है जो बीमार शौहर के साथ सारी जिंदगी गुजार देती है, उसकी खिदमतें करती रहती है। तू देखना, थोड़े दिन में वलीद रूही से बेजार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? वलीद रूही को बहुत चाहता है। क्या चाहता है? हैं? औलाद के ख्वाहिश में दूसरी शादी नहीं करने वाला था। अगर ऐन वक्त पे रूही उम्मीद से ना हो जाती तो आज ये मनहूस शहाना उसके घर में बैठी होती ना। तू बस सब्र कर, हौसला कर, देखती जा के होता क्या है। जो भी होगा ना, तेरे हक में अच्छा ही होगा। गुस्सा कर रही है। लाओ। अच्छा, वैसे नोटिस करो, इसकी नाक बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। और आंखें तुम्हारी जैसी है। बहुत प्यारी है हमारी बच्ची, बहुत ज्यादा प्यारी। तुम जानती हो, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है मुझे। ऐसा लग रहा है तुमने मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं छोड़ी। कमी तो है वलीद। क्या कमी है? मेरी टांगे चली गई है वलीद, मैं माजूर हो गई हूं। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये बहुत वक्ती वक्ती चीज है, और तुम देखना वक्त के साथ साथ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, और मैं और तुम अपनी बेटी के साथ इसी घर में खेलेंगे कूदेंगे, लॉन्ग वॉक्स पर जाएंगे। देखो रूही, अगर तुम इसी तरह उदास रही ना तो मुझे लगेगा कि तुम हमारी बेटी के आने से खुश नहीं हो, जेलस हो गई हो उससे। कैसी बातें कर रहे हो वली? बहुत खुश हूं। देखा बेबी, आपकी मामा जब मुस्कुराती हैं तो कितनी अच्छी लगती है। ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर। चलो अब इसको मुझे दो, मैं अम्मी को दे आऊं और तुम्हारा खाना भी ले आऊं। इसको मेरे पास जाने दे। तुमने रखना। अच्छा चलो ठीक है, वैसे अम्मी इंतजार कर रही होंगी ना, आज नाम भी तो रखना है इसका। अच्छा, नाम रखना है? हाँ, तुमने सोचा है कोई नाम? महविश कैसे रहेगा बेटा नाम? नहीं, महविश नहीं कुपो जान, मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगा। तो हम रख देते हैं ईमान। नो। अच्छा अच्छा जी। अरे हाँ, रिदा कैसे रहेगा नाम? मुझे नहीं, सारे नाम पुराने हो गए हैं। मैं कहाँ से लाऊं नया नाम? अगर मैं बता दूं तो? तकबीर। तकबीर कैसा रहेगा? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम। ठीक है, तो फिर यही रखते हैं। चलो ठीक है, आओ मुझे सर के पता।
तो भाई बस तय पाया, हमारी बेटी का नाम वही होगा जो तुम सोचोगे। चलो बताओ कुछ सोचा? दुआ। दुआ? दुआ बहुत अच्छा नाम है यार। बिल्कुल ठीक है, ये हम दोनों की दुआ से ही तो पैदा हुई है। भाई मैंने तो अपनी पोती का नाम सोच लिया। लेकिन अम्मी मैंने और रूही ने भी हमारी बेटी का नाम सोच लिया। हम सोच रहे थे हम अपनी बेटी का नाम दुआ रखें। नहीं भाई नहीं, दुआ बहुत पुराना हो गया है, हम इसका नाम तकबीर रखेंगे। मुझे इकरा ने बताया, बहुत प्यारा नाम है और अभी तक तो मैंने ये नाम कहीं सुना भी नहीं है ज्यादा। तकबीर? अम्मी वो बस आज से डिसाइड हो गया, इसका नाम तकबीर है। अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे, इसे ढेर सारी खुशियां दिखाए। खुश तो बहुत हुई होगी ना बुशरा तुम्हें देखकर? जी अम्मी बस खुशी से रोना ही शुरू कर दिया उन्होंने तो। हैं, बैठो बैठो बैठो। वैसे ना खुशी से रोने के असरात तो तुम्हारी शक्ल से भी जाहिर हो रहे हैं। बस बहुत दिनों बाद अम्मी से मिली ना तो मुझे भी रोना आ गया। हाँ पर अब तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा शफीक तुमने भी अब इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करनी। मैंने रुखसाना को कह दिया है कल से वो आएगी, घर का सारा काम रुखसाना करेगी। सच अम्मी? सच? बहुत शुक्रिया अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। हैं, देख देख तेरे चक्कर में कैसे मक्खन पालिश कर रहा है मेरी। अरे नहीं अम्मी, आप जानती हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। मेरी अम्मी भी बहुत तारीफ करती हैं आपकी, बल्कि उन्होंने तो आपके लिए खाना भी भिजवाया है। ईमान से मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना, कितना बुरा सलूक किया मैंने, इतनी मुझे शर्मसारी हो रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मना ही कर दिया मैंने उनको यहाँ आने से, तुमसे मिलने से, उन्होंने खाना ही भेज दिया मेरे लिए। नाराज तो होगी ना मुझसे? नहीं नहीं वो बिल्कुल नाराज नहीं है, उनके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अरे अम्मी नाराज तो वो हमसे हो रही थी कि हम आपको साथ क्यों नहीं लाए। हैं, हाय मैं खुद जाऊंगी, गले लगाऊंगी उनको जाके खुद। शाना जरा खाना गर्म करके ले आओ ना। ठीक है। आज मैं अपने हाथों से अपनी प्यारी अम्मी को खिलाऊंगा। जल्दी से गर्म करके आना। आए ना अम्मी, आए आए, मैं इसकी तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो बस भी कर दो, कब तक रोगी इस तरह? एक मेरी बच्ची है और मैंने ही नाम। ये बुरा नाम तो नहीं है ना, तकबीर अच्छा नाम है। मैंने बुरा कब कहा वली, रानी अम्मी को जो नाम दिया अम्मी ने रख लिया। इसकी माँ मैं हूँ या इकरा? क्या तो तुम ठीक रही हो, मुझे भी अजीब सा लगा था जब अम्मी ने ऐसा किया, लेकिन इन सब आपका नाम रख लिया है, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा एक एक आइडिया है मेरे पास, एक काम करेंगे, जब हमारा बेटा पैदा होगा तो उसका नाम हम उसके पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? वलीद, मेरी हालत कैसी और आप कैसी बातें करते हैं? अरे उसकी वजह यह है कि बेटी तो पराया धन होती, एक दिन हमें छोड़ के चली जाएगी, लेकिन बेटा, बेटा तो बाप का बाजू बनता है, उसकी ताकत बनता है ना। अच्छा फिलहाल तुम ये बैठ लो। एक काम करे वली, इसको अम्मी को दे दे, वो किसी भी तरह इसको चुप करवा लेंगी। इस वक्त कैसे? प्लीज कुछ करिए, बहुत हो गया ये। अम्मी देखिए ना इसे क्या हुआ है,
बहुत देर से रो रही है, सो रही थी अच्छी खासी, अचानक से उठी और उसके बाद रोना शुरू कर दिया है। रूही ने बहुत कोशिश की लेकिन चुप नहीं हो रही है। अच्छा दिखा मुझे। अरे भाई तुमने तो मुझे डरा के रख दिया। कुछ नहीं हुआ बेटा, इसे भूख लग रही है, इसका रूही से बोलो फीडर बना के दे। की बात है ना। हाँ हाँ इसे भूख लग रही है भैया, ले जाओ इसे। वलीद क्या हुआ है, क्यों रो रही है ये? पता नहीं क्या हुआ है, इसे सोते सोते अचानक उठ गई। अम्मी कह रही है इसे भूख लग रही है, शायद इसलिए रो रही है। मुझे दो, मैं संभाल लेती हूँ उसे, मैं फीडर बना देती हूँ उसके लिए। नहीं 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 बेटा, रो नहीं रो नहीं, अभी अभी देती हूँ मैं आपको फीडर, अभी आप चुप हो जाइए। बस बस क्या हुआ वलीद? कुछ नहीं यार, इकरा को देकर आया हूँ, उसने दूध बना कर पिलाया तो चुप हुई है। अब बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम है भाई, 3 बज गए, सुबह ऑफिस भी जाना है, मैं सोने लगा हूँ, तुम भी सो जाओ। अम्मी अम्मी प्लीज जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए, बहुत देर हो गई है मुझे। अम्मी जी फूफो जान तकबीर के पास हैं, आप नाश्ता कर लें। रूही उठी नहीं अभी तक? नहीं अभी तक तो नहीं उठी, लेकिन प्लीज एक फेवर कर देना, जब रूही उठ जाए तो छोटी को, क्या मेरा मतलब है, तकबीर को, हाँ तकबीर को उसकी गोद में थोड़ी देर दे देना। ठीक है, और कोई हुक्म? वलीद का ऑफिस चला गया है वलीद। मेरी बच्ची का पता है, पुप्पो जान ने उसका नाम तकबीर रखा है। तुम भी नाम लेने की आदत डाली। लेकिन वो है कहाँ? उसे नहलाकर सुला दिया। अब तुम नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें भी मेडिसिन लेनी है। हेलो, हाँ मैं बहुत देर से रूही के नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, वो रिसीव क्यों नहीं कर रही? पता नहीं, जाग तो काफी देर पहले से गई थी। अच्छा जाओ उसके कमरे में जाओ और मेरी बात करवाओ। तुमने तो मुझे अपने कमरे में कदम रखने से मना किया था ना वलीद।
तुम जाओ जाकर मेरी बात करो। ओके। रूही, वलीद तुम्हें फोन कर रहा है। मैं फोन उठाने लगी थी, फोन नीचे गिर गया, पर मेरा हाथ नहीं गया वहां तक। इसे पकड़ो। ओ मेरा बेबी, थैंक यू। क्या हेलो, कहाँ हो रूही? इतनी देर से कॉल करो, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन दूर पड़ा था, उठा नहीं पाई मैं। ओहो, ये तकबीर की आवाज है ना? मेरी गोद में। अच्छा सुने, आपने भाई को बता दिया था? अरे यार, मेरे सेंस से ही निकल गया, इतना टेंस माहौल था। मैं करता हूँ उनसे बात। हाँ प्लीज कर दे वलीद, और मेरा कोई जिक्र मत करिएगा, परेशान हो जाएंगे वो। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? नहीं बताओ। ओके बाय। मामा की जान, मामा की बेटी, जल्दी से मामा के लिए दुआ करो कि मामा ठीक हो जाए। पर मामा आपको टहल टहल के पूरे घर में घुमाएंगे। हाँ, आपको रोज उनका सुनाएंगे, फिर मामा सबको बोलने लेगा। इकरा, मैं आ रही थी ना खाना बनाने के लिए, तुम क्यों आ गई किचन में? भाई पप्पो, मेरे होते हुए आप काम क्यों करेंगे? सारी घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पर आ गई बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। इसलिए कि ये मेरा घर है और जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो मेरा फर्ज है। इकरा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं? जब तुम इस घर में आई थी तो मेरा रवैया ठीक नहीं था। उस सलूक की वजह से अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कि रोही बिस्तर पे पड़ गई है, और तकबीर को संभालने के लिए भी मुझे तुम्हारी ही जरूरत पड़ती है। फूफो जान, आप इसे सजा क्यों समझ रही हैं? ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझे तकबीर को संभालने का मौका मिला। खुदा तुम्हें इस बात का सिला दे, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। क्या पका रही हो आज? मजे का आलू की मां। माशाल्लाह बेटी, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो भैया। क्या बताऊं, मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, दिल चाह रहा है कि फौरन आ जाऊं अपनी गुड़िया से मिलने। इतनी प्यारी है ना छोटी, आपको तस्वीरें भेजूंगी, दिल खुश हो जाएगा आपका। अरे उसके मामू इतने अच्छे हैं तो मामू पर ही जाएगी ना भांजी। अच्छा बताएं, कब आ रहे हैं आप? देखो जैसी छुट्टी मिलती है मैं फौरन अपनी गुड़िया से मिलने। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे तो लगता है कि मैं बच्चे पालने भूल गई। अच्छा बस मेरी जान, अच्छा अच्छा। मम्मी, मम्मी क्या हुआ, क्या हुआ तकदीर को? पता नहीं, फूफो जान भी बहुत परेशान है, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा, रोए जा रही है। बेटा इसे फोन डॉक्टर के पास लेके जाओ। चलो तुम मेरे साथ चलो, चलो आओ जल्दी। अम्मी, अम्मी,
अम्मी। हाँ रूही, तुम बुला रही थी? अम्मी आप कहाँ थी, मैं कब से आपका आवाजें दे रही थी? मैं तकबीर के पास थी, वो रो रही थी। अब कहाँ है वो, उसकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ वलीद और इकरा उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास क्यों? मेरे ख्याल में पेट में दर्द होगा, इस एज में तो बच्चों के पेट में दर्द होती है, अभी आएंगे तो पता चल जाएगा ना। तो मुझे तो देती अम्मी, मैं देख लेती हूँ उसको। मुझे क्यों नहीं दिया आपने, मेरे पास नहीं लेकर आई उसको? मैं आपको कब से आवाजें लगा रही थी, इसलिए तो आवाजें लगा रही थी मैं। बेटा तुम कहाँ उसे संभाल पाती हो? जो काम तुम नहीं कर सकती उसकी जिद क्यों कर रही हो? जैसे चल रहा है चलने दो, सब ठीक हो जाएगा ना, अल्लाह खैर करे। डॉक्टर के पास ले गए ना उसे? अच्छा मुझे बताओ, तुमने अपनी मेडिसिन खाई है? मैं पानी लेकर आती हूँ। आपने अपनी बच्ची को फीडर पर क्यों रखा हुआ है? आपने इसे मदर फीड क्यों नहीं करवाया? वो डॉक्टर साहब एक्चुअली तकबीर की जो मदर है, इनकी पैदाइश के बाद उनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी जिसकी वजह से वो फीड नहीं करवा सके। दरअसल बेबी को ये दूध सूट नहीं कर रहा, मैं इसे दूसरा फार्मूला लिख रही हूँ, आप इसे वो शुरू करवा दीजिए। कितनी तकलीफ उठाई है, कितना रोई है ये। काश कि रूही के साथ ऐसा ना हुआ होता। बच्चे की पहली जरूरत होती है कि माँ उसे फीड करे, इसमें इसका क्या कसूर था? ये बेचारी तो मेरी बच्ची, काश मैं तुम्हारी सारी तकलीफ ले सकती। क्यों रो रही हो तुम? बिल्कुल ठीक है ये। मेरी कैसी जिंदगी है, मैं अपनी बच्ची को ही नहीं संभाल सकती। रूही, तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगी, और यकीन करो उसके बाद तुम ही इसके साथ होगी, इसका ध्यान तुम ही रखोगी। अच्छा लाओ मैं इसको मुझे। था कहाँ लेके जा रही है? देखो इसके पेट में बहुत दर्द था, अभी ठीक इसलिए क्योंकि सो रही है ये, जब उठ जाएगी तो दोबारा रोएगी, और वैसे भी इसको हर 6 घंटे के बाद दवा देनी है, और तुम फिलहाल इसको संभाल नहीं सकते। मैं आ रहा हूँ।
इसको संभाल लो प्लीज। वली सिरप लाना है इसको, मैं अकेले नहीं पिला सकती। वो रहा सिरप, उसको ड्रॉपर में डाल के इधर लिया। जी जी जी, बस बस बस, चुप हो जाओ। ये वाला ना? चलो मेरा बेबी, मेरी जान, ये देखो अभी बाबा आपको सिरप पिलाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरा बेबी। एक मिनट से ठहर जाओ। खोलो जल्दी से। शुक्रिया। शाबाश शाबाश, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। देखिए आप ही की तरफ देख रही है जैसे आपसे कुछ कहना चाह रही है। अच्छा, मेरे बेबी ने कुछ कहना है बाबा को? क्या चाहिए मेरे बेबी को? बाबा अपने बेबी को सारे टॉयज दिलवा देंगे। चलो मेरा बेटा, अब आप सो जाओ क्योंकि बाबा ने मामा को जाके मेडिसिन भी देनी है। शाबाश। इकरा, देखो अगर रात में ये तुम्हें तंग करे तो प्लीज तुम मुझे बुला लेना। और आप मेरे और पापा के दरमियान सारे फासले मिटा दोगे, यू नो, यू नो।